वो आसमान से दुश्मन पर नजर रखते थे, हवा को चीरते हुए दुश्मन को ललकारते थे, और एक दिन एक ऐसे ही मिशन पर वो देश के लिए शहीद हो गए। हम बात कर रहे हैं वीर चक्र शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। अजय कभी अपनी पत्नी से कहा करते थे कि कितना किस्मत वाला हूं मैं जो देश की सरजमी की रक्षा आसमान से करने का मौका मिला। अजय अपने पीछे अपनी पत्नी और एक मासूम बच्चे को छोड़ गया। अक्सर कहा करते थे कि जब तक जीवित रहूंगा अपने सरजमी की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा, और अपनी बात को वो एक दिन सही भी साबित कर गया। देश की रक्षा के लिए न्योछावर हो गए देश के नाम। आज पराक्रम में देखिए वीर चक्र शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की वीर गाथा। पर परमिटे एक सच्चे सपूत की शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने अपनी जिंदगी के 14 साल देश को समर्पित कर दिए और जंग के बीच एक मिशन पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऑपरेशन विजय के सच्चे सिपाही थे शहीद अजय आहूजा। करगिल युद्ध को हुए 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी शहादत की कहानी आज भी जिंदा है। 6 मई 1999 को करगिल युद्ध की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सीने में विश्वासघात का छुरा घोंपा था, और इसके 21 दिन बाद ही स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा देश पर कुर्बान हो गए। लेकिन इस दुनिया से रुखसत होने से पहले वो अपनी पत्नी के दिल को इतना मजबूत कर गए कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी जंग उनकी पत्नी अलका को मामूली लगने लगी। ऑल्दो मेरे हस्बैंड का ये था कि तुम कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना। एंड मैं टीचिंग जॉब में थी थ्रू आउट, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे करना है, बट उनका ये था कि एक्सपीरियंस तो आप गेन कर ही सकते हो उस चीज में। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की शहादत की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसने पाकिस्तान के असली मंसूबे जाहिर कर दिए थे। एक पत्नी अपने घर में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। उसे जरा भी इल्म नहीं था कि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जिस मिशन पर निकले हुए हैं वो कितना खतरनाक है, क्या होने वाला है अगले पल, उसे इसका भी अंदाजा नहीं था। शहादत से महज 5 दिन पहले अजय का बर्थडे भी था। उस दिन दोनों की बात भी हुई थी, लेकिन अलका को क्या पता था कि इस बातचीत के बाद अब कभी वो अपने पति को जिंदा नहीं देख पाएगी। 22 मई अजय का बर्थडे था, मैंने विश किया तो ही सेड, मैंने कहा आपने कब आना है। उससे पहले एक बार बात हुई थी, इनफेक्ट तो मुझे लगा था कि बर्थडे तक तो ये लोग शायद वापस आ ही जाएंगे। 22 मई बात हुई तो ही सेड कि नहीं, हम तो अभी लंबा रुकेंगे, तो तुम एक काम करो, तुम श्रीनगर आ जाओ, अंकुर और तू श्रीनगर आ जाओ, मैं यहाँ से तुमको टिकट लेके भेज दूंगा, मुझे पैसे भिजवा देना। मैंने कहा ठीक है, मैंने पैसे भिजवा दिए, लेकिन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड सारी फ्लाइट श्रीनगर के लिए कैंसिल हो गई। तो आई वाज सरप्राइज कि ऐसा कैसे हुआ कि सारी कुछ, तब तक हमें तब कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है। 26 मई को जब एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई तब हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम है वहां पर। तारीख 27 मई 1999। 27 शाम को 4 बजे मैं घर पर थी बेटे के साथ, तो स्टेशन कमांडर केम टू माय प्लेस, ही वाज इन यूनिफॉर्म। एंड जनरली ये कहते हैं कि अगर कोई ऑफिसर आपके घर यूनिफॉर्म में आया है इसका मतलब समझ जाओ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो यूनिफॉर्म में नहीं आते। एंड व्हेन स्टेशन कमांडर लैंडेड अप एट माय प्लेस, तो ही वाज इन यूनिफॉर्म विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्योंकि एकदम से आपको झटका लगता है कि यूनिफॉर्म में और सीनियर मोस्ट ऑफिसर आपके घर पे खड़े हैं। तो ही सेड कि आहूजा इज रिजेक्टेड एंड ही इज मिसिंग, अभी कुछ नहीं पता चला है। अब तक स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी अलका आहूजा को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी अलका आहूजा बुरी तरीके से घबराई हुई थी। आखिर हुआ क्या है, ऐसे तमाम सवाल उनके मन में घुमड़ रहे थे। एक तरफ भटिंडा में बैठी अलका पल पल ईश्वर से अपने पति की सलामती की दुआ मांग रही थी, दूसरी ओर पाकिस्तानी घुसपैठे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। अजय को बहुत यातनाएं दी गई, पल पल उन्हें टॉर्चर किया गया और फिर गोली मार दी गई, और इस तरीके से देश के नाम न्योछावर हो गया एक देशभक्त।
मुझे शाम को फिर यही पता चला कि वन इज देयर एंड वन इज नो मोर। बस टाइम 6 बज गए 7 बज गए, कोई न्यूज़ नहीं थी। और मुझे ये अब लगा कि अब तो अगर ये लोग नहीं लोकेट कर पाए तो अब तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स ऑल हिली एरिया, तो मिलना तो अब कैसे होगा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। बट रात को 8 बजे फिर मुझे इन लोगों ने बोला कि आहूजा इज नो मोर। तो नचिकेता को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, एंड अजय जब लैंड इजेक्ट किया था और वो सेफली लैंड भी कर गए थे, बट वहाँ पाकिस्तानी बैठे थे, उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया। शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की मौत 6 घंटे के टॉर्चर के बाद हुई थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हिला देने वाली थी। उनके पेट में कई बार धारदार हथियार से हमला किया गया था, सिगरेट से दागा गया था और कान के पास से गोली मारी गई थी। देश के एक सच्चे सिपाही ने देश के लिए सब दर्द बर्दाश्त किए। शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने करगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में भी काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी अलका आहूजा ने अपने पति की शहादत को तकरीबन 1 साल बाद अपनी एक लेख के जरिए साझा किया। अलका ने लिखा, 30 मई 1999 को अजय का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा सामने आया। पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई और फिर ऐलान हुआ, सैनिक तुम्हारा काम खत्म हुआ। मेरा गला रुंध गया, लेकिन कितना सच था ये। अजय ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया। लेकिन अगले ही पल मुझे लगा, अलका ने आगे लिखा, कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। अजय से तो मैंने 7 जन्मों तक साथ देने का वादा किया था, लेकिन वो अकेले ही चले गए। नेचर वाइज इफ यू से, आई मीन बहुत अच्छे नेचर के थे, जॉली नेचर के। मतलब कोई भी उनसे मिलता था तो वो उनको भूलता नहीं था, सबको ये याद था कि हाँ हम किसी से मिले हैं, इस टाइप का नेचर था। एंड अपने इवन सीनियर्स एंड जूनियर्स के बीच में भी बहुत फेमस थे। मैं तो बाद में बहुत स्टोरीज अब तक सुन रही हूँ उनकी, कि ऐसा था, वैसे हुआ था, मैडम ऐसे हुआ था, तो अभी तक सुनती हूँ। एंड लोग याद करते हैं तो बहुत अच्छे से खुश होकर याद करते हैं। शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का जन्म 22 मई 1963 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। उनका सिलेक्शन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ था और एक एयरफोर्स पायलट के तौर पर उन्होंने 1985 में सर्विस शुरू की थी। अपनी 14 साल के सर्विस में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के कई बड़े मिशन में हिस्सा लिया था। MiG-21 से लेकर MiG-27 तक वो हर तरह के फाइटर प्लेन उड़ा लेते थे। विमानों को उड़ाने के मामले में उनका 1000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था। हमारी मैरिज हुई थी 1989 में, दैट टाइम ही वाज पोस्टेड टू सिरसा। सिरसा से पोस्टिंग आ चुकी थी, बट हम 1 वीक रुक करके उसके बाद हम लुधियाना चले गए थे। फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे रहे हैं हम, एंड लास्ट पोस्टिंग वाज भटिंडा जब कारगिल वॉर हुआ था। अपने खुशनुमा व्यक्तित्व की वजह से शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा अपने जूनियर्स के बीच काफी पॉपुलर थे। बेशक अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शहादत की अकल्पनीय दास्तां आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।